हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ पान ग्लोरी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपको पान का टेस्ट पसंद आता है तो आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। इसके लिए लिया है मैंने एक चम्मच सौंफ, एक चम्मच टूटी फ्रूटी, 4 से 5 चम्मच मैंने किसा हुआ नारियल लिया है, 2 चम्मच मैंने शुगर कोटेड सौंफ लिए। देखिए फ्रेंड, मैंने इस तरह की सौंफ लिए। 2 चम्मच मैंने छुहारा और पेपरमेंट से बना हुआ माउथ फ्रेशनर लिया है। फ्रेंड, आपको इनमें से जो भी चीज़ ना मिले आप से स्किप कर दें। 2 लौंग और 2 इलायची लिए हैं मैंने। इसके साथ ही मैंने ये लिया है एक पान, खाने वाला ये पान, और मैंने उसको धो के अच्छे से सुखा लिया था, फिर उसको एकदम बारीक काट लिया है। आप भी इसको इसी तरह बारीक काटें जिससे कि आपको स्टफिंग में प्रॉब्लम ना हो। ये लिया है मैंने 4 चम्मच गुलकंद और मैंने दी है 15 से 20 खजूर। आप खजूर अपनी ज़रूरत के अनुसार यूज़ कर लें। ये एक फ्रेंड मैंने लिया है 2 से 3 चुटकी पान बाहर मसाला। मैंने लौंग और इलायची को कूट लिया है। अब हम खजूर का ये पीछे वाला पोर्शन निकाल देंगे और खजूर में हमें स्टफिंग करना है। इसके लिए हम इसको थोड़ा सा कट कर लेंगे और उसमें से गुठली निकाल देंगे। इसके साथ ही हम अंदर से इसको चेक भी कर लेंगे। यदि आपके पास खजूर अवेलेबल नहीं है या आपको नहीं मिल पाता तो आप इसको छुहारे से भी बना सकती हैं। इसके लिए आपको लेकिन मुलायम वाला छुहारा इस्तेमाल करना होगा। आप चेक कर लें कि छुहारे मुलायम हैं, क्योंकि ज़्यादा हार्ड छुहारे से आप इसे बनाएंगी तो आपको ये उतने अच्छे नहीं बनेंगे। देखिए फिर हमने खजूर को कट करके उनकी उठली निकाल ली है और अंदर से भी उसे चेक कर लिया है। अब हम अपनी स्टफिंग तैयार करते हैं। इसके लिए जो जो इंग्रेडिएंट मैंने बताए थे उनको सबको हमको मिक्स करना है। फ्रेंड, अगर इनमें से कहीं चीज़ आपको मिलती नहीं है या आप उसको टेस्ट नहीं पसंद है तो आप उसको स्किप कर दें और पान में डलने वाली कोई भी चीज़ जो आपको पसंद है आप ऐड कर सकती हैं। मैंने इसमें देखिए लौंग और इलायची मिलाई है कुटी हुई। अब मैं इसमें पान बाहर मसाला मिला दूँगी। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा कत्था पाउडर भी ऐड कर सकती हैं। जो भी पान से रिलेटेड चीज़ है, जो पान में डलती है, आप उसे इसमें ऐड कर सकती हैं। मैंने गुलकंद डाला है। आप इसमें चाहें, अगर आपको गुलकंद नहीं मिल रहा है तो आप इसमें कुछ गुलाब की पत्तियां काट के डाल दें और स्टफिंग में बाइंडिंग के लिए आप 2 से 3 चम्मच शहद डाल सकती हैं। अब हम अपनी स्टफिंग की सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इनको अच्छे से मिक्स करना है जिससे कि इनका टेस्ट एकदम इच्छा है स्टफिंग में, वरना कहीं किसी चीज़ का टेस्ट ज़्यादा आएगा और कहीं किसी चीज़ का टेस्ट कम आएगा। पान ग्लोरी की स्टफिंग बन चुकी है। इसे आप ज़्यादा ड्राई ना बनाएं वरना आपकी पान ग्लोरी अंदर से ड्राई बनेगी। इसी तरह से सॉफ्ट कंसिस्टेंसी का बनाएंगी तो आपकी पान ग्लोरी एकदम सॉफ्ट बनेगी। चलिए अब हम स्टफिंग कर लेते हैं। इसके लिए हम खजूर को थोड़ा सा खोलेंगे। जो हमने स्टफिंग बनाई है उसका थोड़ा सा पार्ट लेकर हम इन खजूर में भरेंगे। फ्रेंड, अगर आपको पान का टेस्ट पसंद आता है, पान का फ्लेवर पसंद आता है, तो आपको ये पान ग्लोरी बहुत पसंद आएगी। खजूर में हम स्टफिंग को थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से दबाते हुए भरेंगे जिससे कि खजूर में पूरी तरह से ये स्टफिंग भर जाए। देखिए मैं भर चुकी हूँ। अब हम इसमें थोड़ा सा नारियल का बुरादा लगा देंगे और ऊपर से हम इसको एक चेरी से सजा देंगे। देखिए फ्रेंड, मेरी एक पान ग्लोरी बनके तैयार हो गई है। पान पसंद करने वालों को ये रेसिपी बहुत पसंद आती है, इसलिए अगर आपकी फैमिली में पान पसंद है और किसी भी वक्त आप पान का मजा लेना चाहते हैं तो आप इसको बना के रख सकते हैं फ्रिज में। काफ़ी दिनों तक ये ख़राब नहीं होती है। आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।